गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है हमारी फिफ्थ, सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर है हमारा थर्ड, अपनी वस्तु। इसके शब्दार्थ हो गए थे, आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार, की पाठ के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने यह समझाया है कि संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, जैसे धन, संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए केवल भजन, भक्ति और अच्छे कर्म ही तुम्हारे हैं। जो लोग परलोक के साथी हैं, इसलिए लड़ने की बजाय अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाओ। प्रस्तुत पाठ में दो भाई जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। एक महात्मा ने दोनों को समझाने के लिए भोजन घर से मंगाकर अपने साथ खाने को कहा। दोनों अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए। तीनों ने भोजन किया। जब उनका गुस्सा शांत हो गया तो महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की ओर समझाया कि जिस भूमि पर तुम दोनों झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई, जो तुम लोगों की हो जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर बेकार कोशिश कर रहा है। दोनों महात्मा जी के पैरों में पड़ गए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। तत्पश्चात अपने घर लौट गए। देखिए, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा जी होते हैं संत, साधु संत। वह कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। ऊंची आवाज मतलब कि जोर से बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए, लठ होते हैं डंडा लिए, एक दूसरे के प्राण लेने को उद्दत दिखाई देते थे। प्राण होती है जान की, वो जान लेने के लिए उद्दत थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी होता है मालिक। वो कहते थे कि मैं इस जो भूमि है इसका क्या हूँ, मालिक हूँ। जबकि दूसरा उस भूमि को अपना बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व होता है अधिकार की। दोनों क्या करने लगे, अपने अपने अधिकार जताने लगे और क्या हो गए थे, लाल पीले। यानी कि लाल पीले होने का अर्थ होता है क्रोधित होना, कि वो क्या हो गए थे, दोनों क्रोधित हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अब ये आपको इधर से लेकर इधर तक रीड करना है। थैंक यू।